आजकल न्यू जनरेशन को जो चीजें बहुत एक्साइटेड करती है और जिनके बारे में जानने में वो क्यूरियस रहते हैं, उन चीजों में से एक है मशीन्स। खासकर रोबोट्स को लेकर के बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है ना? लेकिन क्या आपको ऐसी मशीन के बारे में पता है जो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, एडवांस है और परफेक्ट भी? अगर आपको इसका आइडिया नहीं हो रहा है तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो हमारी बॉडी है ना, जिसमें हम सांस लेते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये भी एक मशीन है, एक सेंसिबल मशीन। ये एक अमेजिंग बायोलॉजिकल मशीन है जिसमें बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स फिट है जो मिलकर के परफॉर्म करते हैं और उन्हीं की बदौलत हमारी लाइफ चलती है। हम मूवमेंट कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं और बेहतरीन जिंदगी को एंजॉय करते हैं। तभी तो कहते हैं कि अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बॉडी फिट तो लाइफ हिट। आपको क्या लगता है? और क्या हमें इस बॉडी के बारे में, यानी इस माइंड ब्लोइंग मशीन के बारे में ज्यादा से ज्यादा नहीं जानना चाहिए? आई नो कि आपका जवाब यस ही होगा, क्योंकि बेहतर नॉलेज के लिए आप हमेशा हाँ ही कहते हैं। इसीलिए आज ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानते हैं। वैसे इस मशीन यानी कि ह्यूमन बॉडी के बारे में ये तो आप जानते ही होंगे कि ये बहुत सारी सेल्स यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बनती है, लगभग ट्रिलियन सेल्स, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती है सेल। और जब एक जैसी सेल्स का ग्रुप मिलकर के कोई स्पेसिफिक वर्क करता है तो उस ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, जैसे ब्रेन टिश्यू, मसल टिश्यू या हार्ट टिश्यू। अब जब डिफरेंट टिश्यूज मिलकर के किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देते हैं तो उसे ऑर्गन कहते हैं, जैसे कि हार्ट, लीवर और स्टमक। और ऑर्गन्स का ग्रुप जो मिलकर के एक काम करता है उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे बनाने के लिए हार्ट और ब्लड वेसल्स मिलकर के काम करती हैं। तो ऐसे 11 मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एक्सेट्रा, जो कि अपना अपना काम बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से करते रहते हैं जब तक कि हम उन्हें अपनी इरेगुलर लाइफस्टाइल से चौंका नहीं देते और उन्हें अपने अनहेल्दी रूटीन से डिस्टर्ब नहीं कर देते। तो ये तो हुई बेसिक बात कि हमारी बॉडी बनी है सेल्स से, सेल्स मिलकर बनाती है टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब क्या आपको ये पता है कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? किन्हीं भी 5 के नाम आप बता सकते हैं, जरा सोचिए। स्किन, हार्ट, किडनी, लीवर, स्टमक, लंग्स, ब्रेन, इंटेस्टाइन। एग्जैक्टली, वेरी गुड। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इनमें से वो 5 वाइटल ऑर्गन्स कौन से हैं जो हमारी जिंदगी के लिए, यानी ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर इन 5 ऑर्गन्स में से कोई भी डैमेज हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। वैसे आपने राइट आंसर ट्राई तो जरूर किया होगा और शायद सही नाम बता भी दिए होंगे, इसलिए इसका सही जवाब भी पता कर लेते हैं। और वो ये है कि यूं तो ह्यूमन बॉडी का हर एक ऑर्गन और इवन हर एक सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी वाइटल ऑर्गन्स में शामिल है ब्रेन, हार्ट, लीवर, लंग्स और किडनी। तो क्यों ना आज इनके हालचाल ही पूछ लिए जाए? आपको क्या लगता है, जरा अपने दिल दिमाग से पूछकर बताइए। तो आपका जवाब हाँ है ना? तो चलिए फिर आज जान लेते हैं ह्यूमन बॉडी के इन 5 वाइटल ऑर्गन्स के बारे में, 1 by 1। और सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन बॉडी के मोस्ट पावरफुल ऑर्गन्स में से एक होता है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट भी ब्रेन ही है। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है और स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। इसके मेन फंक्शंस में शामिल है सेंसरी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करना, ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग को रेगुलेट करना और हार्मोन्स को रिलीज करना। ये एवरेज ह्यूमन बॉडी वेट का 2% बनाता है और स्कल यानी खोपड़ी के अंदर रहता है। इसका साइज लगभग उतना ही होता है जितना हमारी दोनों मुट्ठियों को मिलाकर बनता है। इसका वेट अप्रोक्स 1.3 kg होता है। ह्यूमन बॉडी साइज के सिमिलर बॉडी साइज वाले मैमल से कंपैरिजन किया जाए तो ह्यूमन ब्रेन उनसे 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है। वाओ, हम कितने लकी हैं। ये ब्रेन ऐसा सिग्नल बॉक्स होता है जो बॉडी से इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और उसे प्रोसेस करता है। ब्रेन में मौजूद बिलियन सेल्स पूरी बॉडी में इन्फॉर्मेशन सेंड करती है और रिसीव करती है। ब्रेन में 80% लिक्विड होता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि खूब पानी पीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेटेड रहने पर ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाता। वैसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ब्रेन का लेफ्ट साइड बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है और ब्रेन का राइट साइड बॉडी के लेफ्ट पार्ट को। ब्रेन का लेफ्ट साइड क्रिएटिव साइड होता है
और अगर आप अपनी क्रिएटिविटी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो किसी क्रिएटिव हॉबी में खुद को एंगेज कर लीजिए, जैसे कि पियानो सीखना। ब्रेन के 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेब्लम और ब्रेन स्टेम या बेड्यूला। ये पार्ट्स स्पीच, मोशन, मूवमेंट और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्रेन फंक्शंस को कई डिजीजेस अफेक्ट करती है, जैसे पार्किंसन, अल्जाइमर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ब्रेन एक्टिव बना रहे इसके लिए आपको सफिशियंट पानी पीना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए और स्मोकिंग और अल्कोहल से तो दूरी ही भली। चलिए तो ब्रेन के बाद हार्ट के बारे में जानते हैं, क्योंकि दिमाग और दिल की बात तो साथ साथ ही चलती है। यूं तो दिल पर बहुत से गाने और अफसाने बनते रहते हैं, लेकिन वो असल में हमारे इमोशंस और फीलिंग्स पर होते हैं। क्योंकि हार्ट जो लंग्स के बीच में, चेस्ट के मिडिल से थोड़ा सा लेफ्ट में होता है, वो असल में एक मसल है। हाँ, लेकिन कोई ऑर्डिनरी मसल नहीं है, बल्कि स्पेशल मसल है, जो कि पूरी बॉडी में ब्लड सेंड करने का काम करता है। और इस ब्लड के जरिए बॉडी को ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिला करते हैं। इसके अलावा ब्लड वेस्ट को निकालने में भी हार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंट्रल पार्ट होता है और इसका साइज हमारी मुट्ठी से थोड़ा बड़ा होता है। इसका वजन 230 से 350 ग्राम तक होता है। इसकी शेप इन्वर्टेड कोन जैसी होती है, हालांकि हमने हार्ट की एक अलग ही शेप एक्सेप्ट कर रखी है। एनीवे, ये हार्ट पंप जैसा होता है और इसे ब्लड पंपिंग मशीन भी कहा जा सकता है। ये पंप हर मिनट 60 से 100 बार धड़कता है और हर दिन लगभग 1,00,000 बार से भी ज्यादा बार धड़कता है, और हर हार्ट बीट के साथ ब्लड को बॉडी की हर सेल तक पहुंचाता है। इसके 2 साइड्स होते हैं। राइट साइड तो बॉडी से ब्लड रिसीव करता है और उसे लंग्स में पंप कर देता है, क्योंकि ऐसे ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है, और लेफ्ट साइड लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड रिसीव करके उसे बॉडी में पंप कर देता है। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, और अगर ऐसे ना चले तो समझो कि कुछ प्रॉब्लम है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हार्ट से निकलकर ब्लड यूं ही पूरी बॉडी में ट्रैवल नहीं करता, बल्कि बहुत सी ट्यूब्स के जरिए ब्लड फ्लो होता है, जिन्हें ब्लड वेसल्स कहा जाता है। ये हार्ट से जुड़ी रहती है और 2 टाइप्स की होती है, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज हार्ट से हाई ऑक्सीजन ब्लड लेकर के बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं, और वेन्स लो ऑक्सीजन ब्लड को हार्ट में वापस लेकर जाती है। हमारा हार्ट कितना बिजी रहता है, इसका अंदाज आपको इस बात से लग जाएगा कि ये हर मिनट लगभग 1.5 गैलन ब्लड को पंप करता है, और इस तरह हर दिन 2000 गैलन से भी ज्यादा ब्लड को बिना रुके पंप करने की जिम्मेदारी हार्ट की होती है। आंख में मौजूद कॉर्निया के अलावा ह्यूमन बॉडी का हर सेल हार्ट से ही ब्लड लेता है, और अगर कॉर्निया हार्ट से ब्लड नहीं लेता तो इसका रीजन इनके बीच किसी तरह की रंजिश होना नहीं है, बल्कि कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होना है, इसीलिए उसे ब्लड की जरूरत नहीं होती। और जब हार्ट सही से काम ना करे तो कई सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे CAD कहते हैं, हार्ट फेलियर और कार्डियोमायोपैथी, और भी बहुत सारी बीमारियां जो बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट करती है। और अगर बीमारियों से बचना है तो हार्ट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। और फिर हार्ट का दिल ना टूटे, यानी कि हार्ट ब्रेक ना हो, इसलिए वेट बैलेंस रखना चाहिए, डाइट बैलेंस रखनी चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, अल्कोहल और टोबैको से दूर रहना चाहिए, और BP और ब्लड शुगर रेगुलरली चेक करना चाहिए। और अब हार्ट के बाद हम जानते हैं लीवर के बारे में, जो स्किन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है और हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी। हालांकि अक्सर हम इसकी रियल वैल्यू समझने में थोड़े चूक जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में शायद हम ज्यादा जानते ही नहीं। ह्यूमन बॉडी का सबसे वजनदार यानी कि हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन भी यही है, और लार्जेस्ट ग्लैंड भी। ह्यूमन लीवर का वेट नॉर्मली अप्रोक्स 1.5 kg होता है। ये डायफ्राम के नीचे और स्टमक के ऊपर लोकेटेड होता है। इसके 2 अनइक्वल साइज और शेप के लोब्स होते हैं। ह्यूमन लीवर का 10% हिस्सा फैट का बना होता है, और जब लीवर में फैट कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो इसे फैटी लीवर कहा जाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा लीवर बॉडी के लिए 200 से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में लगा रहता है, और इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में जाने तो, लीवर हमारे खाए हुए खाने में से विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है, ताकि जरूरत पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। ड्रग्स और अल्कोहल जैसी हार्मफुल थिंग्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी लीवर को ही करना पड़ता है। लीवर ब्लड को क्लीन करता है, डाइजेस्टिव लिक्विड बाइल को प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है।
हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने वाले ब्लड को प्रोड्यूस करने का जिम्मा भी लीवर का ही है। यानी अगर लीवर नहीं तो कोई ब्लड नहीं, यानी कोई लाइफ नहीं। इतने सारे मेजर टास्क को अंजाम देने वाले लीवर के पास ये एबिलिटी भी है कि वो खुद को रीजनरेट कर सके, और इसी की बदौलत लीवर ट्रांसप्लांट पॉसिबल हो पाता है। हेपेटाइटिस ए, बी और सी, फैटी लीवर डिजीज, लीवर कैंसर और विल्सन डिजीज लीवर से जुड़ी बीमारियां होती है। और क्योंकि लीवर को हेल्दी रखना एक हेल्दी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए लीवर को फिट एंड फाइन रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखा जा सकता है। हेल्दी वेट को मेंटेन रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अल्कोहल यूज को लेकर के अवेयर होना, इल्लीगल ड्रग से दूर रहना, प्रॉपर हाइड्रेट रहना और बैलेंस्ड डाइट लेना, जिसमें इन्हें शामिल करना कॉफी, कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, बीट रूट्स, ओट मील, ग्रेन्स, टर्मरिक, सिट्रस फ्रूट्स। तो अब इतनी सारी बातें करने के बाद थोड़ी सांस भी ले लीजिए, मेरा मतलब लंग्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं। ह्यूमन बॉडी में दो लंग्स होते हैं जो चेस्ट के दो साइड्स में लोकेटेड होते हैं और इनके बीच में हार्ट रहता है। ये कोन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं और एक नॉर्मल अडल्ट के लंग्स का वेट लगभग 1000 ग्राम होता है। दोनों लंग्स की साइज सेम नहीं होती। लेफ्ट लंग राइट लंग की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि उसे हार्ट को थोड़ी जगह देनी होती है। क्या बात है। वैसे हर दिन हम लगभग 22,000 बार सांस लेते हैं, तो सोचिए लंग्स कितनी स्पीड से काम करते होंगे। और ब्रीदिंग के जरिए बॉडी का लगभग 70% वेस्ट बाहर निकल जाता है। क्रेडिट गोज टू लंग्स। ये ऐसे अकेले ह्यूमन ऑर्गन है जो पानी पर फ्लोट कर सकते हैं। लंग्स की बदौलत ही हम ऑक्सीजन ले पाते हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लंग्स ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने और ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करने का मेजर टास्क पूरा करते हैं, और इसमें हार्ट उनकी हेल्प करता है। इस तरीके से हर बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन मिल पाती है। इसके प्रोसेस को शॉर्ट में समझे तो हमारे द्वारा इनहेल की गई एयर में से ऑक्सीजन को एल्वियोल के जरिए ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एल्वियोल लंग्स में मौजूद एयर सैक्स होते हैं, और ऑक्सीजन मिलते ही ब्लड लंग्स से निकलकर हार्ट में चला जाता है, जहां से उसे पूरी बॉडी में पंप किया जाता है और हर सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जब सेल्स ऑक्सीजन का यूज करती है तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिसे ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और ब्लड इस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से लंग्स में ले जाता है, जहां से इसे एक्सहेल के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। और इस तरीके से नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस चलता रहता है। वैसे कि आप जानते हैं कि कोई पर्सन एक लंग के साथ भी जिंदा रह सकता है, हालांकि ऐसा होने पर फिजिकल एबिलिटी अफेक्ट होगी, लेकिन फिर भी नॉर्मल लाइफ स्पेंड की जा सकती है। लंग से जुड़ी बीमारियों में अस्थमा, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी कई सारी बीमारियां शामिल हैं। स्मोकिंग लंग्स के लिए एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होता है, और कई बार कोल्ड या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी सीरियस हो जाता है। इसीलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके अपने लंग्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे ओरल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए, आउटर पॉल्यूटेंट के कॉन्टैक्ट में कम आना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। चलिए अब लंग्स के बाद बॉडी के फिफ्थ वाइटल ऑर्गन के बारे में जान लेते हैं, जो बिल्कुल किडनी बीन्स जैसे दिखाई देती है। और ये ऑर्गन है किडनीज, जो हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का इम्पोर्टेंट काम करती है। किडनीज यूरिनरी सिस्टम का पार्ट होती है, और इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है ब्लड से लिक्विड वेस्ट को फिल्टर करना और उसे यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालना। किडनी दो होती है और ये लोअर बैक में बैकबोन के दोनों साइड्स पर लोकेटेड रहती है। हर किडनी 4 से 5 इंच लंबी होती है। एक किडनी का साइज अडल्ट की मुट्ठी की साइज के बराबर होता है। ये ऑर्गन बॉडी वेट का एवरेज 0.5% ही बनाता है, लेकिन लीवर को छोड़कर बाकी बॉडी पार्ट्स की तुलना में ज्यादा ब्लड रिसीव करता है। हर किडनी में मिलियंस नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, जो फिल्टर्स की तरह काम करते हैं। ब्लड को फिल्टर करने के अलावा किडनी बॉडी में फ्लूइड्स का राइट अमाउंट बनाए रखती है, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है और ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल बनाए रखने में भी हेल्पफुल होती है। लेकिन अगर दो में से एक किडनी किसी रीजन से रिमूव करनी पड़े तो क्या होगा? तो भी बॉडी में किडनी फंक्शन का केवल 25% ही अफेक्ट होगा, और एक किडनी के साथ भी सर्वाइव किया जा सकेगा। किडनीज हर दिन लगभग 50 गैलन ब्लड फिल्टर करती हैं। लेकिन किडनीज काम को अंजाम कैसे देती है, आइए जानते हैं। हार्ट की आर्टरी से ब्लड किडनीज में एंटर होता है और मिलियंस फिल्टर्स यानी नेफ्रॉन्स से पास होकर क्लीन हो जाता है। वेस्ट मटेरियल यूरेटर के थ्रू पास हो जाता है और ब्लैडर में यूरिन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। नया क्लीन ब्लड वेन्स से होता हुआ ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है,
ब्लैडर फुल हो जाता है और यूरिन यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। कई बार जब वेस्ट पूरी तरह बाहर निकलने के बजाय सॉल्ट फॉर्म में किडनीज में रह जाता है तो ये किडनी स्टोन्स बना लेता है, जो कि एक तरह की कॉमन किडनी प्रॉब्लम है। इसी तरह जब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है तो कई तरह की किडनी डिजीज हो सकती है, जिनमें क्रॉनिक किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन शामिल है। और अगर किडनीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ब्लड शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल को अंडर कंट्रोल रखना चाहिए। हेल्दी डाइट के साथ रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन से तो दूर रहना ही बेहतर होगा। इनके अलावा एस्प्रिन, नेक्सोप्रोक्सीन जैसी मेडिसिन को भी अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये किडनीज को हार्म करती है। तो दोस्तों, इसी के साथ 5 वाइटल ऑर्गन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी हुई। और अब हमें लगता है कि आप इन 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को लेकर के थोड़े ज्यादा अवेयर हुए होंगे। और इनसे रिलेटेड ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमारी पूरी टीम की मेहनत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना ढेर सारा प्यार हमें शेयर कीजिए। वैसे ऑलरेडी आपने इस वीडियो को लाइक कर लिया है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी अमेजिंग जानकारियाँ हमेशा आपको मिलती रहे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। रूबी आपसे मिलेगी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहिए कि आगे आप किस बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।